संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये हम आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी और परीक्षा उपयोगी भी हैं ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। तर्क संग्रह में हमने थोड़ी सी रूपरेखा के बारे में जाना था, उसमें पदार्थ को लिए थे हमने और पदार्थ सप्त पदार्थ होते हैं, फिर सप्त पदार्थ के अंतर्गत आने वाले जैसे द्रव्य है, द्रव्य के अंतर्गत कितने आते हैं, कितने द्रव्य होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। सामान्य क्या है, समवाय कितने हैं, अभाव कितने हैं, इस तरह से चर्चा की थी, एक रूपरेखा मात्र थी। आज हम द्रव्य से शुरू करेंगे और जैसे नव द्रव्य है, नव द्रव्यों को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूर्ण ही समझाएं आज और उसके विस्तृत में जाएंगे। द्रव्य आखिर है क्या, पूरी जानकारी अर्जित करने का प्रयास करेंगे। वेदांत सार है, तर्क संग्रह है, वेदांत सार नहीं है। तर्क संग्रह में आज द्रव्य ले लेते हैं। सबसे पहले हम द्रव्य की चर्चा करेंगे। नव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, अधिक, आत्मा। तो पृथ्वी से शुरू करते हैं। सबसे प्रथम स्थान है पृथ्वी का। पृथ्वी के लिए कहा गया है तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात जो गंधवती है वही पृथ्वी है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें से गंध आती हो, ये याद रखना है। फूल में से गंध सुगंध आती है और वस्तुओं से गंध सुगंध आती है, वो सिर्फ एक ही कारण है, वो है पृथ्वी का गुण। पृथ्वी से उसमें गुण चले जाते हैं तो उसमें गंध का वो कारण बन जाती है। आगे चल के चर्चा करेंगे, गंध सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार से बढ़ जाती है ये। तो जिसमें से गंध आती है अर्थात गंधवती पृथ्वी, ये कहा गया है। फिर कहा गया है यह दो प्रकार की दिशा द्विधा, नित्या अनित्या। नित्या के बारे में कहा गया है नित्या परमाणु रूपा, अर्थात ये परमाणु रूप होती है। पृथ्वी में जब हमने सूक्ष्म भूतों के बारे में देखिए, ये इसको सहसंबंध बोलते हैं, हम दूसरे चीज का एक विषय से दूसरे विषय से संबंध बना देते हैं, उसमें थोड़ी जानकारी जो हमने अर्जित की इसमें या उसको बढ़ोतरी करेगी। तो ऐसे हमने पृथ्वी के बारे में, आकाश के बारे में जाना था। सूक्ष्म भूत जो होते हैं वो नित्य होते हैं, तो यहां पर भी नित्या और अनित्या दो प्रकार की पृथ्वी के बारे में चर्चा की है। तो नित्या जो होती है वो कारण रूप होती है, अर्थात सूक्ष्म भूत में जो रहती है, जिससे कारण मतलब जिससे स्थूल शरीर की उत्पत्ति जो होती है, सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति होती है उसको कारण शरीर के रूप में जाना जाता है। कारण शरीर में जाना था हमने वेदांत सार में, सूक्ष्म शरीर में भी जान लिया, अब स्थूल शरीर बाकी है। तो वहां पर जो पंच तन्मात्राएं हैं या पंच सूक्ष्म भूत हैं वो कारण के अंतर्गत आते हैं। तो यहां नित्या जो बात चर्चा की जा रही है परमाणु रूपा, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो नित्य होती है परमाणु के रूप में। अनित्य जो होती है वो कार्य रूप होती है। कार्य रूप में अर्थात जो कुछ स्थूल रूप में जो दिखाई देती है, सारे पृथ्वियों से जो कुछ यहां हमें आंखों से दिखाई देता है वो पृथ्वी तत्व ही कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होता है। जब हम उसमें पंचीकरण में जाएंगे तब आपको पूरा एक चार्ट बनाने का प्रयास करेंगे वेदांत सार में, तो बड़े अच्छे समझ में आएगा कि सारी चीजें कार्य रूप के अंतर्गत आती हैं, उसमें सारे तत्व जो पांच तत्व होते हैं वो मिलकर के ही उनको बनाते हैं। तो पृथ्वी के बारे में बोला है कार्य रूप, कार्य रूप की जो अंतर्गत आती है वो अनित्य है, अर्थात उसका क्षण भी हो जाता है और वो सूक्ष्म रूप भूत में भी जाकर के सम्मिलित हो जाती है लय अवस्था में। तो इसमें कार्य रूपा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। शार, फिर कहा गया इसमें पुनः त्रिविधा, यानी तीन प्रकार की होती है, शारीरिक, इंद्रिय और विषय विधाचा, अर्थात शरीर, इंद्रिय और विषय से ये कार्य रूप जो होती है, कार्य रूपा वो तीन प्रकार की हो जाती है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है कार्य रूपा का, शरीर में इसमें कहा गया अस्मद आदि नाम, अर्थात हमारे तुम्हारे जैसे जो शरीर हैं वो सभी पृथ्वी के
शरीर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात पृथ्वी तत्व के अंदर, पार्थिव शरीर माने, इसीलिए शरीर को पार्थिव माना जाता है, यानी पृथ्वी से ही। तो हम केवल अस्मन हमारे जैसा ही नहीं, मतलब जो कुछ हमें आंखों से दिखाई देता है या पेड़ से लेके पौधे तक, ये सब जितने भी हैं वो पृथ्वी तत्व से कहीं ना कहीं निर्मित होते हैं। जीव जंतुओं की जो शरीर हैं वो भी पृथ्वी से ही निर्मित होते हैं, तो अस्मद आदि नाम शरीर कहा गया है। या यूं कह रही हमारे शरीर जैसा, हमारे शरीर आदि इंद्रिय। अब इंद्रिय क्या है, इसको कार्य की जो रूप है, इंद्रिय कैसे पता चलेगा कि गंधवती है, तो इसके लिए कहा गया है घ्राणम इंद्रियम। तो घ्राणम मतलब नाक, नाक उसकी इंद्रिय है, लेकिन गंध कैसे पता चलती है, नासा अग्रवर्ती, इसमें गंध तो मालूम पड़ती है नाक से, घ्राण से, घ्राण मतलब नासिका, लेकिन नासका में भी नासा अग्रवर्ती, इस तरह से इसको बोला गया है। इंद्रिय तो उसकी नासका है, लेकिन नासका में जो गंध स्मेल जो आती है, इसको गंध बोलते हैं, वो नासका के अग्रभाव में स्थित रहती है, अर्थात वहां उसको स्पर्श होते ही उसको पता चल जाता है। विषय क्या है, शरीर जैसे हमारे शरीर है, अन्य जैसे शरीर है, वो तो शरीर हो गए, लेकिन विषय क्या है, मृत हो गया, मृत मतलब मिट्टी, पाषाण, मृत पाषाण आदि, इसमें ऐसे इस तरह कहा गया है। तो यहां पर पर्वत वगैरह जितने भी पहाड़ हैं, क्षेत्र हैं या भूमि है, सब कुछ ये मिट्टी से ही निर्मित है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वो इसके विषय के अंतर्गत आते हैं। तो पृथ्वी को हमने जाना, तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी पृथ्वी गंधयुक्त है, वह नित्य और अनित्य दो प्रकार की है, नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा, और कार्य रूपा जो अनित्य है वो तीन प्रकार की हो जाती है, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से वो तीन भेद हो जाते हैं उसके। शरीर जैसे हमारे और आपके जैसे शरीर होते हैं वो शरीर हैं, इंद्रिय इसकी, क्योंकि घ्राण जो खुशबू है, जो गंध है, वो नासिका है, उसका स्थान नासिका का वो भी अग्रवर्ती क्षेत्र है, वो इंद्रिय के अंतर्गत आता है, और विषय इसके जो है मृत और पाषाण आदि है, इस तरह से इसमें बोला गया है। तो गंध पृथ्वी के बारे में हमने जान लिया है, अब हम दूसरे में चलेंगे, जल। जल के बारे में कहा गया शीत स्पर्श वत्य आपहा, अर्थात वह पदार्थ, वह द्रव्य जो शीत हो, जिसका स्पर्श अगर स्पर्श करे तो शीतलता जिसमें हो वो ही जल है। शीत याद रखना है, शीत स्पर्श इसका ये गुण है, जब भी स्पर्श होगा तो वो शीतलता प्रदान हो, उसमें शीतलता का एहसास होगा तो वो जल हो गया। ये भी जल भी कितने प्रकार का होता है, ये बिल्कुल प्रक्रिया सेम चलेंगी, ये यहां तक पृथ्वी जल तेज वायु ये चार जो द्रव्य हैं इनमें सब में एक जैसे ही व्यवस्था है, नित्य नित्य और अनित्य, इसमें वही है परमाणु रूपा, परमाणु रूप, और ये है कार्य रूप। नित्य परमाणु रूप में याद रखना है हमको, जो भी परमाणु है जिससे जो चीज उत्पत्ति होती है वो नित्य ही रहेगा, और अनित्य जो है वो कार्य के रूप में मौजूद है, कार्य और कारण दो चीजें होती हैं, कारण कभी भी नष्ट नहीं होता, वो नित्य होता है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य फिर जब लय की अवस्था आती है, प्रलय की अवस्था आती है, तो वो कारण के रूप में फिर सम्मिलित हो जाता है, इसलिए कारण को लय स्थान भी बोला जाता है, वेदांत सार में हमने अच्छे से जाना था, और आप उसको एक बार अवश्य देखें, अगर पहली बार हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उसको कभी भी एक विषय को पढ़ने से संपूर्ण ज्ञान की व्यवस्था नहीं बन पाती, उसको सही से समझ नहीं पाते, जब तक हम सारे दर्शनों को लेकर के एक साथ नहीं चलेंगे तब तक वो ज्ञान बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है। तो यहाँ पर जो कार्य रूपा है वो भी फिर तीन प्रकार का हो जाता है, अनित्य, शरीर इंद्रिय विषय, इसके भेद हैं, भेद रूप से शरीर जो है जल का जो है वर्णलोक माना गया है इसका,
इसमें वर्ण लोक के बारे में चर्चा की गई है। इंद्रियां, क्योंकि शीत स्पर्श हमें किससे पता चलता है, जल का, जिह्वा से, रसना में। अब दो चीजें हैं, आगे चल के पता चलेगा, एक चीज और है वायु का, वो भी स्पर्श ही होता है, वो त्वचा से संबंध है उसका। यहां शीतल जो बात करेगी है वो जिह्वा से संबंधित है, ठीक है। तो है यहां पर रसना लिया गया, रसनम, रसना का नाम लिया, प्रयोग किया गया है जिह्वा के लिए। तो इंद्रिय क्या है, इसमें रसना से जो चीज शीतल महसूस हो यानी जिह्वा से, उसका नाम जल है। अब रसना जीव तो बहुत है, तो जीव बहुत बहुत बड़ी है, तो इसमें कहा गया है जिह्वा अग्रवर्ती, जिह्वा अग्रवर्ती, अर्थात जिह्वा का जो आगे का स्थान है वहां शीतलता अगर महसूस होती है तो वो द्रव्य जल के अंतर्गत आता है। विषय क्या है इसके, कि विषय से संबंधित या विषय को ध्यान रखना है, वो उसके उदाहरण पूछते हैं। विषय का मतलब यहां क्या है, उदाहरण से है, ठीक है ना, उदाहरण। तो जैसे यहां पर उदाहरण दिए थे, मिट्टी और पाषाण आदि हैं, ऐसे इसमें सरित, समुद्र आदि, यहां पर जो पानी मिलता है, जल मिलता है, वो उसके उदाहरण है जल के। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। तो जल का हमें याद रखना है शीत स्पर्श युक्त होता है, और वो शीत स्पर्श जो होता है वो जिह्वा से संबंधित होता है, उसका त्वचा से कोई भी संबंध नहीं होता। जब स्पर्श में चलेंगे आगे वायु में, वो त्वचा से संबंधित होता है। तो पृथ्वी जल, अब आते हैं तेज पर। तेज में कहा गया है उष्ण स्पर्श तेजा, उष्ण स्पर्शवत तेजा, अर्थात उष्ण स्पर्श जिसका हो, उष्ण मतलब गर्म, स्पर्श गर्म, स्पर्श जिसका लगेगा वो तेज के अंतर्गत आएगा। अब गर्म स्पर्श कहाँ है, तो यहां पर थोड़ी सी बात, गर्म स्पर्श तो हमें इस त्वचा से भी लगता है, ठीक है, लेकिन इसकी इंद्रियों की मैं बात की जाएगी। यहां पर एक बात और याद रखनी है, जो रूप रस गंध स्पर्श इस तरह से जो बात की गई है इनके गुणों की, वो यहां चर्चा की गई है। जैसे गंध की बात करी गई थी इसमें गंधवती, तो गंध घ्राण से ली जाती है, गुण अगर ढूंढना है, क्योंकि पता कैसे चलेंगे, उसके गुण से कोई चीज पता चलती है। तो यहां शीत स्पर्श है, तो रूप रस, रस किससे आता है, रस की बात करेंगे तो रस रसना से प्रयोग की जाती है। तो यहां गुण से, उसके गुण से पता करेंगे कि ये जल है। स्पर्श रूप रस, रूप किससे लिया जाता है, आंखों से। तो यहां पर जो इंद्रिय है, हालांकि उष्ण स्पर्श इसका नाम तो दे दिया है उन्होंने, लक्षण तो दे दिया है, लेकिन जो व्यवस्था जो दी है, इंद्र जो दिया है, तो उसके गुणों पे चल जाते हैं, रूप पे चले जाते हैं, तो फिर आंखों पे चले जाएंगे हम। खैर चर्चा करते हैं, यह भी उष्ण स्पर्श जो होता है वो दो ही प्रकार का है, वही आ जाएगा नित्य अनित्य। नित्य होता है परमाणु रूपा, परमाणु रूप, ठीक है। अनित्य होता है कार्य रूप, और ये फिर तीन प्रकार का हो जाता है, वही शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर क्या है, क्योंकि तेज है तो इसके बारे में बोला गया आदित्य लोक, आदित्य लोक। अब आदित्य लोक, सूर्य आदि जो देवता हैं, आदित्य लोक यानी सूर्य जो देवता हैं, वो इसके स्थान माने, विषय शरीर माने जाते हैं, ठीक है। इंद्रिय मैंने बताया था, इसके इंद्रिय क्या है, इनकी चक्षु है यानी कि आंख है, आंख से इसको ग्रहण किया जाता है। अब उष्ण स्पर्श तो बोल दिया, उष्ण स्पर्श तो त्वचा से भी हो जाता है, लेकिन यहां मैंने बताया गुणों से ही हम चीजों के बारे में पता कर पाते हैं। तो चक्षु तो है, लेकिन आंख तो बहुत है, पुतली तो बहुत है, तो इसमें कहा गया है कृष्ण तारा अग्रवर्ती, इस तरह से इसको बोला गया है, कृष्ण तारा अग्रवर्ती, यानी कि आंख की जो काली पुतली है, उसका जो काला हिस्सा है,
कृष्ण तारा यानी काला जो हिस्सा है उसके अग्रभाव में, उसको रेटना भी शायद बोला जाता है साइंस की दृष्टि से, वो उसका स्थान है, वहां से रूप को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, विषय क्या है इसके? तेज के इनको चार भागों में बांटा गया है, उदाहरण इसके चार मिलते हैं। पहला है भौम, और दूसरा है दिव्य उदर्य आकरज। ये चार प्रकार के इसके उदाहरण दिए हैं। भौम जो है वो भूमि से संबंधित है, और जो हमें अग्नि प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जो घर में जलाई जाती है या सामने जो वनों में जलती है, दावा अग्नि होती है, या जो भी यहाँ पर पृथ्वी पर अग्नि देखते हैं हम, वो भौम के अंतर्गत आते हैं। तो साधारण अग्नि का नाम भी इसमें भौम अग्नि के नाम से जाना जाता है। दिव्य अग्नि कौन सी है? दिव्य अग्नि से संबंध विद्युत से है। विद्युत अर्थात जल से उत्पन्न होने वाली, आकाशीय बिजली से भी, और आकाशीय बिजली भी कहीं ना कहीं जल से ही उत्पन्न होती है। तो हमको याद रखना है विद्युत शब्द जल से ही बनता है, यहाँ जो जल से उत्पन्न होती है वो दिव्य के अंतर्गत आता है। आकाश बिजली को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। उदर क्या है? उदर मतलब उदर से शब्द से बना है। हमारे जो पेट है वहां भोजन हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए एक अग्नि होती है, जठराग्नि, उसको यहाँ उदर के नाम से लिया गया है। तो यहाँ पाचन से, पाचन अग्नि के नाम से जाना जाता है, पाचन अग्नि, पाचक अग्नि। ठीक है, उसको कभी आ जाए कि जठराग्नि किसके अंतर्गत आती है, तो उदर के अंतर्गत आती है, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। आकरज क्या है? आकरज अग्नि वो है जो खदान होती है, जैसे कोयले की खदान है, कोयले की खदान में सुना होगा आपने कभी कभी आग लग जाती है, तो जो आग लगी है वो आग जो है, अग्नि का रूप जो है वो आकरज के अंतर्गत आता है। तो खदान आदमी यानी कि खान आदि में जो प्राप्त होती है अग्नि उसको आकरज बोला जाता है। इस तरह से इसके चार उदाहरण हो जाते हैं विषय के। विषय कितने हैं? भौम, दिव्य, उदर और आकरज। ये आ जाता है, आकरज आ जाता है, ये कभी कभी उदाहरण आ जाते हैं, इनको बड़े अच्छे से आपको याद करना है, ये अपने मस्तिष्क में सही से बिठा लीजिए। अब चलते हैं वायु पर, चौथा है वायु। तो इसमें बोला गया है रूप रहित स्पर्शवान वायु। अच्छा, जो रूप रहित जिसमें रूप ना हो लेकिन स्पर्शवान वायु, स्पर्श शब्द इसमें भी लगा हुआ है, वायु स्पर्श होगी तो इसमें क्या आ जाएगा? ये सारी त्वचा से संबंधित हो जाएगी, त्वक से संबंधित। रूप रहित जो होती है, रूप रहित स्पर्श वान वायु, ठीक है ना, रूप रहित स्पर्श वान वायु, इसमें बोला गया है ये भी बिल्कुल व्यवस्था एक जैसी ही है। दो प्रकार की आती है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप। इसके भी तीन हिस्से हो जाते हैं। इसमें प्रथम जो है शरीर है, द्वितीय इंद्रिय है और विषय। इसके भी उदाहरण, विषय मतलब उदाहरण, सीधा पहुंच जाइए आप। शरीर कहाँ है इसका? जैसे तेज का जो था आदित्य लोक था, जल का वरुण लोक था, इसका क्या हो जाएगा? वायु लोक। इसका क्या हो जाएगा? वायु लोक हो जाएगा। इंद्रिय क्या है? इसमें इंद्रिय त्वक है, त्वक में संपूर्ण शरीर में जो त्वचा है वो इसके रूप में मानी जाती है, अर्थात संपूर्ण शरीर की त्वचा, कहीं की भी त्वचा हो संपूर्ण शरीर में, वो त्वक इसकी इंद्रिय के रूप में है। अर्थात हवा जब चलती है, बहती है, तो शरीर के किसी भी अंग में लगे वो आपको महसूस होती है, उसका गुण है। विषय क्या है इसके?
वायु का उदाहरण कैसे पता चलेगा कि क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो जब वायु चलती है तो हमने देखा है वृक्ष आदि में हलचल हो जाती है, वो हिलने लग जाते हैं, वही उसके विषय हैं अर्थात उदाहरण हैं। तो वृक्ष आदि कंपन हेतु इसके बारे में बोला गया, वृक्ष आदि का हिलना, इस तरह से इसको बोला गया। अब इसमें प्राण वायु को भी लिया गया है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में प्राण वायु होती है और उस प्राण वायु के पांच चार नाम और हो जाते हैं जो हमने वेदांत सार में भी अध्ययन किया था, तो इनको देख लेते हैं। पहले स्थान पर आती है प्राण वायु, दूसरे पे है अपान, तीसरे पे है व्यान, उदान और पांचवी पे है समान। प्राण वायु हमने जो पढ़ी थी वो वेदांत सार में, उसमें अलग पढ़ा था, यहाँ पर कुछ अलग है, मैं अभी थोड़ा सा लिख दूँ फिर बताऊंगा। ये हृदय में होती है, हृदय स्थान बताया गया है, गुदा स्थान, संपूर्ण शरीर, कंठ और नाभि। यहां पर जो प्राण वायु है हृदय में, अपान गुदा में वेदांत सार में बताया गया था और यहां पे भी बताया गया है, व्यान को संपूर्ण शरीर में वहां भी बताया गया था और यहां पे भी है, कंठ उदान वायु जो है वो कंठ स्थानी वहां भी बताई गई थी और यहां पे भी बताई गई है, लेकिन समान वायु वहां समीकरण के रूप में प्रयोग की गई थी, यहां नाभि स्थान में ही नाभि मंडले इस तरह से बोला गया है। तो प्राण जो उसमें बताया गया था वेदांत में वो नासा अग्रवर्ती बताई गई थी, अर्थात नासिका के अग्रभाग में रहने वाली प्राण वायु। तो यहां थोड़ा सा ये अंतर हुआ है और उम्मीद है ये बातें आपको सही से समझ में आई होंगी। ये चार चीजें हो गई, पृथ्वी जल तेज वायु रूप रहित स्पर्शवान वायु इस तरह से बोला गया है। याद रखना है नित्य जो बात करी गई है वो परमाणु रूपा है और कारण शरीर जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं वेदासन में वही है यहां पर भी, लेकिन यहां पर इसको नित्य और अनित्य के रूप में ही माना गया है। नित्य जो है वो कारण शरीर के अंतर्गत ही आती है, वहीं से फिर कार्य रूप जो प्रकृति होती है उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये छोटी सी बात है, इसमें से आपको याद रखना है ये जो चीजें हैं अग्रवर्ती वगैरह, नासा अग्रवर्ती, कृष्णा तारा अग्रवर्ती है ना, नासा अग्रवर्ती, जिह्वा अग्रवर्ती, ये चीजें पूछ ली जाती हैं परीक्षाओं में और इनमें से आपको एक से दो क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे, अधिकतर देखा गया है। अब हम चलते हैं, ये तो एक जैसी ही है, अब आगे जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, ये जो है वो उनकी व्यवस्था बिल्कुल एक जैसी है, तो ये दो चीजें बढ़ जाती हैं। तो पहले पांचवें स्थान पर है, यहां पर आ जाएगा ये, चलिए देखते हैं। पांचवें स्थान पर है आकाश, आकाश के बारे में बताया गया है शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द जिसका गुण हो वह आकाश है, शब्द जिसका गुण हो याद रखना है, शब्द किसका गुण है ये पूछ लिया जाता है, शब्द किसका गुण है, शब्द आकाश का गुण है। साचा इसमें आज बोला गया है तत्चैव एकः एकम, अर्थात वो एक है, विभु नित्यम च, विभु है और नित्य है, आकाश क्या है एक है, विभु है नित्य है, विभु का मतलब होता है व्यापक। तो बस इसमें कुछ नहीं है, बस याद रखना है आकाश शब्द गुणकम आकाशम वह एक है, विभु है और नित्य है, इतनी सी ही इसमें आकाश के बारे में चर्चा की गई है। शब्द क्यों कहा गया है, शब्द उसका गुण क्यों है और नित्य है, क्योंकि आकाश जो हमने ऊपर जो पढ़े हैं पृथ्वी जल तेज वायु, ये कारण शरीर में तो नित्य होते हैं लेकिन कार्य शरीर में अनित्य होते हैं। यहां आकाश जो है वो कारण और कार्य इसका कोई औचित्य नहीं है, यहां पर ये हमेशा नित्य रहता है, लेकिन वेदांत सार में हम इनको जानेंगे
जान जान चुके हैं, वहां पर ये उत्पन्न भी होते हैं, आकाश उत्पन्न भी होता है और विलय भी होता है, अर्थात वो कारण शरीर में भी सूक्ष्म भूत के रूप में भी जाना जाता है, स्थूल भूत में भी आता है और सूक्ष्म भूत में भी आता है। तो दोनों में यहां अंतर हो गया। आकाश दिक, दिक में छठवें स्थान पर है, तो इसमें बोला गया है, काल पे आइए पहले, काल आकाश काल अतीत व्यवहार आदि हेतु कालहा, अर्थात जो अतीत आदि व्यवहार के हेतु हैं वो काल है, अतीत आदि व्यवहार, अतीत आदि बड़ा उतन हो जाएगा आ जाएगा, अतीत आदि जो व्यवहार है, व्यवहार का जो हेतु है, जो कारण है वो काल है। ये भी इसी के बारे में बोला गया है, सह च एक, अर्थात वो एक है, विभू है और नित्य है, बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था है इसमें। विभू का मतलब आपको याद रखना है व्यापक, अर्थात काल भी एक है, व्यापक है, नित्य है। अब अतीत आदि के बारे में जो बताया गया है वो भूत, यहां पर लिख देता हूं इसके लिए, है ना, भूत, भूतकाल अतीत हो गया, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इस तरह से ये जाना जाता है। तो काल का केवल याद रखना है, काल का क्या गुण है, जो अतीत आदि व्यवहार का हेतु हो वो काल हो गया, ये भी नित्य है, व्यापक है और एक है। आगे है सातवें स्थान पर दिक यानी दिशा, प्राच आदि, इसमें बोला गया प्राच आदि व्यवहार हेतुर दिक, अर्थात प्राच आदि का जो हेतु है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अतीत आदि का जो व्यवहार का हेतु है वो तो हो गया काल, लेकिन प्राच आदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह से जो दिशाएं हैं उनके व्यवहार का जो हेतु है वो दिशा है, प्राच आदि हेतु, केवल इतना लिख रहा हूं, व्यवहार छोड़ दिया मैंने, प्राच आदि का जो हेतु है उसी का नाम दिक अर्थात दिशा है। यह भी सान एका विभे नित्या चा, इस तरह से बोला गया, सा एका यानी एक है, एका नित्या है और सर्वव्यापिनी है, सर्वव्यापिनी, सर्वव्यापिनी, सर्वव्यापी है, ये एक जैसी व्यवस्था है, मैंने बताया था ऊपर की व्यवस्था एक जैसी, अगर आपने एक या दो बार ये वीडियो देख लिया फिर आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक दो बार में याद हो, एक याद कर लो, बार बार की तो फिर ऊपर से याद करना है, जैसे गंधवती पृथ्वी शीत स्पर्शवत्य जलहा उष्ण स्पर्श तेजहा रूप रहित स्पर्शवान वायु, एक एक याद करना, बाकी सब एक जैसी व्यवस्था है। यहां पर थोड़ी सी चीजें बस याद करनी है, यहां पर भी शब्द मूल कम आकाशम अतीत आदि व्यवहार हेतु काला प्राचादि व्यवहार हेतु दिक, इस तरह से याद करना, बाकी नित्य हैं ये सब, नित्य हैं, व्यापक हैं और एक हैं। आत्मे पे आता है आत्मा, आत्मा के बारे में बताया गया है ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण, और अधिकरण के बारे में हम जानते हैं आधारो अधिकरणम, अर्थात ज्ञान का जो आधार है, जो वेश है वो आत्मा है। अब आत्मा भी दो प्रकार की हो जाती है, ज्ञान का अधिकरण और आत्मा, इस तरह बोला गया है दो प्रकार की हो जाती है आत्मा, एक है जीवात्मा, दूसरी है परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा चेति, इस तरह से बोला गया है इसमें, तो जीवात्मा और परमात्मा दो प्रकार की हो जाती है आत्मा। जीवात्मा याद रखना है प्रत्येक शरीर में भिन्न है, ये पूछ लिया था कभी कभी,
प्रत्येक शरीर में भिन्न है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से जन्म होता है उनका, और अलग ही उनकी मृत्यु होती है। अगर एक ही होता, प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भी एक होती, तो एक साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती, एक साथ ही वो जन्म लेते। एक को अगर बुखार है तो सभी को बुखार हो जाता है, एक को सर्दी है सबको ही सर्दी हो जाती। इस तरह से प्रत्येक शरीर में भिन्न होने के कारण सभी को अलग अलग ही सारी व्यवस्थाएं, सुख दुख हानि लाभ जो कुछ होता है वो अलग अलग ही मिलता है। लेकिन ये क्या ऐसा है, व्यापक है ना, और एक है, याद रखना है। भिन्न होने के बावजूद भी एक ही है। यहां जो परमात्मा है वो सर्वत्र है, इसको व्यापक शब्द नहीं प्रयोग करते, इसमें सर्वत्र है और एक है। यहां सर्वत्र और एक, इस तरह से ये जीवात्मा परमात्मा के बारे में चर्चा की गई। तो उम्मीद है ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान अधिकरण आत्मा, इसमें इस तरह से बोला गया है। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न की बात आपको समझ में आ गई होंगी, परमात्मा सर्वत्र एक है। अब आता है मन। मन के बारे में हमने जाना था वेदांत सार में, उसमें बाद में चर्चा करेंगे, इसमें देख लेते हैं। इसमें बोला गया है सुख आद्य, सुख आद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम। सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनहा, इसमें इस तरह से बोला गया है। अर्थात सुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है उस इंद्रिय का नाम मन है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस तरह की जो उपलब्धि का जो साधन है, जो बताता है सुख और दुख जितनी भी बातें होती हैं, वो यहां पर मन के रूप में गिना गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। ये प्रत्येक आत्मा में नियत है, ये प्रत्येक आत्मा में नियत है। और दूसरी चीज इसमें यह है, ये परमाणु रूप है और एक है, नित्य है, नित्य, ठीक है। प्रत्येक परमात्मा में यह नियत है, निश्चित है ये कि प्रत्येक आत्मा में साथ ही रहता है, और ये आत्मा के जरिए ही मन का कनेक्शन है, मन का फिर इंद्रियों से इस तरह से व्यवस्था है। तो परमाणु के रूप, परमाणु रूप में है ये, और ये नित्य होता है। इसमें सारी चीजें समझ में आनी होंगी। यहां पर जो हमने बात करी है पांच छह, यानी कि काल, आकाश, काल, दिक और आत्मा और मन, ये सभी नित्य हैं, ये अनित्य नहीं है। अर्थात ये परमाणु रूप में ही एक तरह से मान सकते हैं। यहां पर जो थी वो अनित्य और नित्य दो प्रकार से थी, परमाणु रूप और काल रूप में। तो सुख आदि की जो उपलब्धि का जो साधन है, जो साधन की जो इंद्रिय है उसका नाम मन है। यहां पर तो इस तरह से बताया गया है, लेकिन वेदांत सार में हमने क्या पढ़ा था मन के बारे में, संकल्प विकल्पा अंतःकरण वृत्ति ही मनः, अर्थात वो संकल्प और विकल्प के अंतःकरण की जो वृत्ति है उसका नाम मन है। निश्चय न करना, संशय की अवस्था में मैं विद्यालय जाऊं या ना जाऊं, मैं खाना दावत में जो भोजन की व्यवस्था है उसमें जाऊं या ना जाऊं, इस तरह से जो दुविधा में बनी रहती है व्यवस्था, वो मन की व्यवस्था थी वेदांत सार में। यहां पर सीधे सुख दुख के बारे में बात करी गई है, लेकिन वहां पर उस तरह की बात नहीं की गई थी। तो ये नवद्रव्य थे, उम्मीद है ये नवद्रव्यों के बारे में आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, ये एक बार दो बार आपने अगर इसकी चर्चा कर ली, देख ली, तो ये फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, ये आप निश्चित मान लीजिए। इसी तरह से हम आगे आने वाली सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे और बहुत सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।